गणपति देवाय नमः स्वाहा। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, रोहित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करो, रोहित ठेकेदार ठेकेदार द्वारा वेद वसूली नहीं चलेगी, ठेकेदार द्वारा वेद वसूली नहीं चलेगी। पुराना पचड़ा एसोसिएशन द्वारा खनिज भवन में आज जमकर नारेबाजी हुई। खान एवं भू विज्ञान विभाग के कार्यालय के बाहर क्रेशर मालिक व खान पर काम करने वाले कर्मचारियों ने ईआरसीसी रॉयल्टी ठेकेदार फर्म द्वारा की जा रही अवैध वसूली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सड़कों पर कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी शिकायत अधिकारियों को दे दी गई थी, परंतु अधिकारियों ने अभी तक ठेकेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और कल अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। फिर भी यदि कर्मचारियों की बात नहीं मानी गई तो कलेक्टर ऑफिस पर जंगी प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है यदि उनका कहना ना माना गया तो ये प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। राजस्थान कवरेज आज खनिज विभाग दफ्तर पहुंचा है। यहाँ पर जो एसोसिएशन केशर बस्ती एसोसिएशन है पचाड़ा, उनके लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, यहाँ हवन यज्ञ कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कोई जो ठेकेदार है उसके द्वारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है। इसको लेकर हम कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, पर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर अधिकारी जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगा तो यहाँ पर प्रदर्शन जिस प्रकार से आज हवन देकर उनकी बुद्धि का यज्ञ किया जा रहा है कि उनकी बुद्धि ठीक हो और उनको जो भी व्यक्ति है उसको सजा मिले। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, किसको लेकर आप कर रहे हैं। ओम गणपति देवाय नमः स्वाहा। ओम गणपति देवाय नमः स्वाहा। ये हवन हो रहा है, शुद्धि हवन हो रहा है कृष्ण यूनियन की तरफ से। सभी पुराना पाचड़ा खान की झोपड़ियाँ के सभी क्रशर धारक, लीज धारक, सभी ट्रैक्टर मालिक, ट्रक मालिक इकट्ठे हुए हैं इस शुद्धि बुद्धि शुद्ध बुद्धि हवन के लिए और सब एकत्रित होकर हवन कर रहे हैं। क्या क्या है सर मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं रॉयल्टी ठेकेदार जो अनियमितता फैला रहा है उसके खिलाफ ये धरना है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करो, खनन विभाग क्या कर रहा है? एफआईआर वाले थोड़ी एफआईआर पे नोटिस कर दिया आपके। ठेकेदार का ठेका निरस्त खान विभाग करेगा साहब। अरे ठेकेदार थोड़ी करेगा आप, ठेकेदार आप बार बार ठेका निरस्त करने की कार्रवाई करते हो। ठेका निरस्त करने के जो प्रक्रिया उसको तो पालन करना पड़ेगा ना, उसी बिना पालन करके थोड़ी कर पाते हो। पालन हमारे को ये कहा कि हमारा तो ठेका निरस्त हो जाएगा। कौन बोला नोटिस के बाद? एमपी साहब ऐसा है, ऐसी बात गंदी बोलनी चाहिए आपको। नोटिस की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने बाद ही कार्रवाई होती है। सर कोई ठेकेदार की बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है, उसमें पैसा खाया है, ऐसी कोई बात कह रहे हैं? पैसा खाया वाली बात तो नहीं है, कुछ रसीदें इन्होंने पेश की थी जिन्होंने बताया था कि पैसा अधिक ठेकेदार द्वारा कुछ ट्रैक्टर वालों से लिया गया, उसकी जांच एमवी साहब द्वारा की जा रही है, उस पर वो कार्रवाई करेंगे। तो सर उस पर फर्म जो भी फर्म है क्या जो इनकी मांगे हैं जो इन्होंने आपको दिए उस पर बिल्कुल नोटिस दिया गया, कार्रवाई हुई है, जांच चल रही है, जांच चल के कार्रवाई कर देंगे। कितना टाइम समय लग सकता है ये? बस वो तो अब जैसे नोटिस अवधि पूरी हो गई, उनका जवाब आ गया, उसको परीक्षण चल रहा है। परीक्षण हो सकता है 2 दिन में पूरी हो जाए, 3 दिन में पूरी हो जाए, 5 दिन में पूरी हो जाए, 7 दिन में पूरी हो जाए। कोई अगर कोई पूरी तरह सबूत साक्ष्य से वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो 7-8 दिन में लग जाए। भाई जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम इतने दिन से यहाँ पर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कार्रवाई हो रही है, ये अपनी तरफ से बता रहे हैं, ठीक है, इनका द्वारा बताना संभव नहीं। वो जो बता रहे बताए, लेकिन जो कार्रवाई तो विधिवत ही होगी। ये हमारे द्वारा जो है 9/1/2024 को रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी गई अधीक्षण अभियंता को, और 11 तारीख को खनिज अभियंता को शिकायत दी गई, उसके पत्र साथ में लगे हुए। इस ठेकेदार ने क्या किया कि जो रॉयल्टी का रवाना जो निकलता है, रॉयल्टी रवाना नंबर जैसे ये 30 दिसंबर का निकला हुआ है, इसने 2 रॉयल्टी रसीदें काटी, इसको डबल बार रॉयल्टी ले ली इसने जो नियमानुसार अवैध वसूली में आता है। इसके बाद इस ठेकेदार द्वारा जैसे ये 28 तारीख का रवाना है और वो निकला हुआ 5 जनवरी को जो रॉयल्टी रसीद दी गई है माइनिंग विभाग ने इसको, इसने 28 दिसंबर में रसीद काटी हुई है, ये भी अवैध वसूली में आता है और इसकी गलती सामने आती है।
इसके साथ ही आपके ये 10 जनवरी को एक रॉयल्टी रवाना है, जो रॉयल्टी रवाना कटा 10 तारीख को, इसके ऊपर भी ये रॉयल्टी पेड रवाना है, ये रॉयल्टी रेट रवाना है, इसके ऊपर ये रॉयल्टी नहीं ले सकता किसी भी क्रेशर वाले से, खान मालिक से, ट्रैक्टर वाले से, गाड़ी वाले से। तब उसके बावजूद भी इसने ये 20 नंबर डायरी में 46 नंबर सीरियल नंबर पे ये रॉयल्टी रसीद लिए, जो अवैध वसूली को दर्शाता है। इसके अलावा हमने इसके खिलाफ माइनिंग विभाग ने FIR दर्ज करी हुई है, FIR भी दर्ज है। इसके अलावा इन्होंने 12 तारीख को इसको एक नोटिस भेजा था, ये खान विभाग ने इसको नोटिस भेजा, ये 12-1 जनवरी को नोटिस भेजा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ईमेल आईडी से जाना था, इन्होंने ईमेल आईडी तो कर दिया, क्योंकि ईमेल आईडी विभाग कहते हैं हम लोग नहीं मानते, रजिस्टर्ड आईडी इनको करना था। इस रजिस्टर्ड आईडी के अंदर विभाग के कर्मचारी द्वारा जो है वो 15 दिन लेट किए गए, 25 तारीख को यह रजिस्टर्ड आईडी की गई और 27 तारीख को उसको पावती गई। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, अतः इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा पाई गई उक्त कमियों के संबंध में आप अपना पक्ष में दस्तावेज के नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा वाद समयावधि राजस्थान अप्रदानन खनिज नियत नियमावली 2017 के नियम ठेके की संविदा शर्तों के अंतर्गत ठेके की पेटे जमा राशि प्रतिभूति राशि जब्त करते ठेका खंडित करने की कार्रवाई की जाएगी जो सूचित हो। इसमें इन्होंने देरी करी, 11 फरवरी को इसका 15 दिन पूरे हो गए, 12 तारीख को इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन 12 तारीख को इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। ये ठेकेदार को पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी विभाग की और ठेकेदार की मिलीभगत है, ये राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। हमारा ये कि ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो और ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जाए। कहीं ना कहीं अधिकारी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने FIR भी कर दी, ठेकेदार अधिकारी उससे मिले हुए हैं, अधिकारी बहुत ढिलाई बरत रहे हैं। जिस कर्मचारी ने रजिस्टर्ड रेडी करने में 15 दिन का समय देरी करी, उसके खिलाफ भी इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? आज कल हमने माइनिंग ऑफिस के बाहर धरना दिया था, आज हमारा सद्बुद्धि यज्ञ और धरना चल रहा है, कल हम लोग सारे क्रेशर वाले, लीज वाले, ट्रैक्टर मालिक, गाड़ी मालिक, कर्मचारी, मजदूर सभी लोग जो है अर्धनग्न प्रदर्शन खनन विभाग के सामने करेंगे। इसमें देखो सर, मैंने इनसे जब पूछा परमिशन के लिए धरने के लिए, तो धरने की परमिशन इनके पास है नहीं। मैंने इनसे निवेदन भी किया कि आप जो धरना कर रहे हैं हम तो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि आज के आज ठेका निरस्त हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो नियमों में प्रावधान है उसी आधार पर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहने पर, किसी के कहने पर अपन दबाव में आकर के वो ठेका निरस्त करना है ठेका निरस्त कर दें, ठेका चालू करना है चालू कर दें। जो नियम में प्रावधान है अपन जाँच करेंगे, जाँच में नियमानुसार जो जाँच कब तक हो जाएगी, जाँच का क्या लगता है आपको? हमने मार्गदर्शन के लिए ऊपर भेज दिया है सिम साहब को, अब वो वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो हमें अवगत करा देंगे, उस आधार पर हम कार्रवाई कर लेंगे। तो सर जिस प्रकार अब ये इनका जो अब लीज वहाँ पाचड़ा में, काफ़ी आप जानते हैं कि पुराना भी अवैध खनन के काफ़ी मामले रहे हैं, इसमें 3-4 साल से इस एरिया में ठेका रहा नहीं है। तो अब वहाँ से हमारे पास रेवेन्यू जो है, अगर ठेका नहीं होता है तब रेवेन्यू कम आती है, अब ठेका होता है तो रेवेन्यू भी ज़्यादा आती है सरकार को। लेकिन वो चीज़ एक कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ हम गलत जो कर रहा है उसके खिलाफ जो हम नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उसको कोई पक्ष लिया जाएगा, किसी का कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा। जांच की गई है, जांच में हमने जो तथ्य पाया उसके संबंध में हमने मार्गदर्शन के लिए भेज दिया। सर आपने अवैध खान की बात करी, अवैध जो चल रही है, अवैध कोटा के शहर में भी कई जगह चल रही है, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें? नहीं, इसमें मेरा ये निवेदन है कि कार्रवाई नहीं हो रही, पर उस पर कार्रवाई हमने की है। अभी अभियान में भी हमने सबसे ज्यादा मतलब कोटा पूरे संभाग में कोटा जिले ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है सर। उस पे लाइटें बंद कर देते हैं रात को, मेन लाइटें बंद हो जाती हैं, लोग परेशान रहते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? आपके जो बंदा दमपुरा रोड है पूरा, यहाँ पर चलती है, वहाँ कब कार्रवाई हुई? ना इसमें हमने बिल्कुल कार्रवाई कर रखी है पहले, काफी हमने कल भी देखा है, हमारा फुटेज है हमारे पास इसमें। हम अगर ऐसा है तो हम अभी इसमें जांच करवा करके इसमें कार्रवाई करवा देंगे।